क्वेश्चन है, बॉडी मूव्स 50 मीटर ड्यू साउथ एंड देन 30 रूट टू मीटर साउथ ईस्ट एंड देन 40 रूट टू ड्यू साउथ वेस्ट एंड 20 मीटर ड्यू वेस्ट. फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बॉडी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताना है. तो इस केस में पहले आप डायरेक्शन ड्रो कर लिया करो. ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. अगर बीचों बीच जा रही है कोई बॉडी तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट. ये बीचों बीच है तो साउथ ईस्ट. इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट. अगर गाड़ी बीचों बीच जा रही है तो इसमें ये कहा गया है कि पहले जो मूव कर रही है 50 मीटर साउथ की तरफ, 50 मीटर साउथ की तरफ यानी कि इधर. अब इसने टर्न लिया है देन 30 रूट टू मीटर साउथ ईस्ट यानी कि 30 रूट टू साउथ ईस्ट. तो यहाँ पे तो 30 रूट टू ये है साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट 40 रूट टू साउथ वेस्ट, 40 रूट टू साउथ वेस्ट यहाँ पे 40 रूट टू साउथ वेस्ट, और फिर है 20 मीटर ड्यू वेस्ट, 20 मीटर फिर है ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ. ये हमारे पास डायरेक्शन है, मैंने ये ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे इस तरीके से. अब इस केस में इसके दो कंपोनेंट ले लो आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. यहाँ पे ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी क्या होगा 45, तभी रिजल्टेंट क्या रखा है 30 रूट टू और बीचों बीच है. तो इस केस में ये 20 ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, इसके कॉम्पोनेंट आ जाएंगे 30 और 30. अगर दोबारा से रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा 30 रूट टू ही आएगा. नीचे की तरफ आपको दे रखा है 50 और 40 के कॉम्पोनेंट लोगे तो ये आ जाएगा 40 और 30. इधर आ जाएगा आपके पास 40 और एक नीचे की तरफ 40. तो इस केस में हमने सभी के कॉम्पोनेंट लिए, 50 ऑलरेडी था तो ले लिया, 20 ऑलरेडी लिख रखा है हमने, 30 के दो कॉम्पोनेंट ले लिए 30 और 30. अगर दोबारा से रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 30 रूट टू. याद रखो दो वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, एंगल उनके बीच 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट किसी एक को रूट टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 30 रूट टू है तो यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी 30 होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी क्या होगा 30, तभी रिजल्टेंट आया 30 रूट टू. तो यहाँ पे ये 60 मैं ऊपर कर रही हूँ, इधर है 60, इधर 30 और नीचे 50, 80, 90 और नीचे है 120. तो ये कैंसिल होकर इधर हो जाएगा 30. तो आंसर आएगा आपके पास माइनस का 30 आई कैप और माइनस का 120 जे कैप. ये आपके पास आंसर आएगा, माइनस का 30 आई कैप और माइनस का 120 जे कैप, बी ऑप्शन इज़.